विज्ञान की मदद से मनुष्य ने बहुत सारे हदें पार कर दी, लेकिन फिर भी वो खुद के लिए खुशहाली नहीं ढूंढ रहा। उसके पास कोई नहीं, पूरे हाथ खाली है। आप पौधों को देखो, वो खुश है, उन्हें फूल आते फल आते। आप जानवरों को देखो, वो खुश है, खाना खाते बच्चे पैदा करते आराम से। लेकिन मनुष्य ये सब कुछ करने के बावजूद भी दुखी है, धन इकट्ठा कर रहा है। जिन्होंने बहुत सारा इकट्ठा किया वो भी दुखी है, और जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। आपके पास शक्ति है और आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी आपको पता चले कि आप उससे क्या बना रहे हो, कि अस्तित्व सिर्फ ऊर्जा से भरा हुआ है। वो अलग अलग माध्यमों से खुद को अभिव्यक्त कर रहा है। कि आपके आजू बाजू में जो भी है, पदार्थ है या जीव है, उस सभी में वही ऊर्जा है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो चर चर में समाया हुआ है। तो आपके अंदर की ऊर्जा प्रकट है, तीव्र है, सक्रिय है कि सोई हुई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे क्या खिलाते हो, आप उसे किस तरह संभालते हो, आप उसे प्रकट करते कि नहीं करते हो, यह आपके ऊपर है। तो आप आपके जीवन में जितना सक्रिय होंगे उतनी वो ऊर्जा ज़्यादा तीव्र होगी, और जितना आप निष्क्रिय रहोगे उतनी वो ऊर्जा सो जाएगी। तो ऊर्जा अगर सब में एक ही है तो हम भेदभाव क्यों करते, क्योंकि अज्ञानी है। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं या जितने भी निर्जीव हैं, जिसे हम कहते हैं पदार्थ कहते हैं या हम जीव कहते हैं, सभी में एक ही ऊर्जा है, किसी में सुप्त है किसी में जागृत है। तो आप उस ऊर्जा को कितना जागृत करेंगे, कितना अभिव्यक्त करेंगे, वो आपके ऊपर है, और उसी को जीवन कहते हैं। तो प्रकृति में जो भी तत्व है, जो भी है, उस हर चीज़ में ईश्वर है, ऊर्जा है। बस फर्क इतना है कि आप उछल कूद करने वाली ऊर्जा हो और वो सुप्त ऊर्जा है, बस इतनी सी बात। लेकिन आपको हर ऊर्जा का क्या करना है, सम्मान करना है। और जिस दिन आप ये सम्मान करना सीखोगे तो हर बेजान चीज़ उससे आप उसका आप क्या करोगे, आदर करोगे और उसे कोमलतापूर्वक संभालोगे। जैसे आप आपके बच्चों को संभाल रहे वैसे आप हर चीज़ को संभालोगे। ये बिजली यहाँ पे कह सकती कि नहीं इस बल्ब में अलग है और इस बल्ब में अलग है, उस सामने वाले घर में जो जल रही है वो अलग है, ऐसे है क्या? नहीं, सब जगह पर एक ही बिजली जल रही है। जब ये पता चलेगा तब ये बल्ब किसी के साथ स्पर्धा नहीं करेगा, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेगा, और किसी के साथ में वो गलत तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। हर चीज़ के साथ में वो कैसे रहेगा, प्रेम से रहेगा। ईश्वर कण कण में बसा है, ये हम बचपन से सुनते आए, कण कण में ईश्वर है। तो हम मंदिर क्यों जाते, जो बेजान से जो कण है, पदार्थ का जो सूक्ष्म रूप होता है उसे कण कहते, एटम हम अणु को कहते, और जब बहुत सारे एटम्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे कण बनता है। तो अगर इस बेजान कणों में अगर ईश्वर है तो वाकई पेड़ पौधों में, प्राणियों में और मनुष्य में तो होना ही चाहिए। तो सवाल यह है कि हम जब देखते हैं तो हमें मनुष्य भी अलग अलग नज़र आते, ये अपना ये पराया, मेरे खून का रिश्तेदार है, ये अनजान है, अजनबी है मेरे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। हम तौर पर जब हम साथ रहते तो लोग बोलते आपका क्या रिश्ता है, बोले हमारा खून का रिश्ता है। ठीक है, अच्छी बात, हम क्या है, एक कौम के, हम एक धर्म के, हम एक जाति के, ऐसे हमने बंटवारे किए। लेकिन जब देश की बात आती तो हम एक देश के हैं, तो देश में आने दो बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जातियों के लोग रहते हैं, पंथों के लोग रहते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम सब भारतीय हैं। तो भारतीय के नाते हम एक क्यों हो जाते? अगर इस धरती पर बहुत बड़ा अगर खतरा मंडराएगा तो पूरे धरती के पूरे देशों के लोग एक साथ जुड़ जाए। लेकिन अभी तो हर कोई अपने देश के लिए लड़ रहा है, देश के अंदर भी हर कोई अपने राज्य के लिए लड़ रहा है, अपने जाति के लिए लड़ रहा है, धर्म के लिए लड़ रहा है। तो मनुष्य ने सबको ऐसे अलग अलग क्यों बांट दिया है? क्योंकि वो शरीर के तल पर पहचान बना रहा है। जब उसकी जान
खतरे में आ जाती है ना, तो फिर वो शरीर के स्तर पर जो बंटवारे हुए उसको भूल जाता है, लेकिन उसकी जान खतरे में आनी चाहिए। तो मनुष्य का जो वर्तन है वो पूरी तरह दोगला है, वो अपनी विचारों पर, अपने संकल्पों पर वो निश्चित नहीं रहता, वो डावाडोल रहता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो खुद को पहचानता ही नहीं। ठीक है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, उनको यह बुद्धिमत्ता नहीं है कि वो खुद को जांचे, लेकिन मनुष्य को वो ताकत मिली है कि वो खुद को ढूंढ सकता है कि मेरे अंदर क्या है। आज हम देखते हैं कि विज्ञान की मदद से मनुष्य ने बहुत सारे हदें पार कर दी, लेकिन फिर भी वो खुद के लिए खुशहाली नहीं ढूंढ रहा। उसके पास कोई नहीं, पूरे हाथ खाली है। आप पौधों को देखो, वो खुश है, उन्हें फूल आते फल आते। आप जानवरों को देखो, वो खुश है, खाना खाते, बच्चे पैदा करते आराम से, लेकिन मनुष्य ये सब कुछ करने के बावजूद भी दुखी है, धन इकट्ठा कर रहा है। जिन्होंने बहुत सारा इकट्ठा किया वो भी दुखी है, और जिनके पास नहीं है वो भी परेशान है। जिसके पास बहुत बड़ा मान सम्मान है, पद है, वो भी परेशान है, क्योंकि वो पद अभी आया और अभी हाथ से छूट रहा। मैंने उसका मजा चखा ही नहीं और जा रहा है, 5 साल गुजर गए। जब प्रतिष्ठा मिलती है ना, तो ग्लैमर की एक मस्ती रहती है, वो वक्त ऐसे चुटकी से चला जाता है। लेकिन जब दुख का मौका आता है ना, जब पद निकल जाता है, पैसा निकल जाता है, तो हर पल सालों जैसा महसूस होता है। और जब वो सांप अपने साथ में वो शक्ति होती है ना, समझो आपके पास में पैसों की शक्ति है, तो आप उस पैसों की शक्ति से इतने मदमस्त हो जाते हो कि मैं कौन हूँ और क्यों, मेरा जन्म क्यों है, इसके बारे में कोई सोच नहीं, कुछ भी सोचता नहीं, कोई सोच नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो नशा होता है। शराबी को कोई पता नहीं होता कि मैं कहाँ पड़ा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए। उसके पास में कोई शिष्टाचार नहीं रहता, उसके पास में कोई अता पता नहीं रहता, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं। शराबी की कभी पहचान हुई? वो अपनी पहचान भूल जाता है। इसलिए तो घमंडी आदमी से, अहंकारी आदमी से शराबी अच्छा, ऐसा बोलते लोग। वो कम से कम ईमानदार तो होता है। तो ये जो नशा शराब का होता है, वैसे पैसों का नशा, वो ताकत है, उसके अंदर ताकत है। आपके पास पद है तो उसके अंदर ताकत है। तो पैसा मेहनत से भी कमाया जा सकता है, और दूसरों को लूट के भी कमाया जा सकता है। तो लूटा हुआ धन जो होता है वो आपको कभी भी सुख और शांति नहीं देता, लेकिन ऊर्जा है, शक्ति है, लेकिन वो शक्ति आपको बर्बाद कर देती। आप जो आपके स्वास्थ्य के लिए खराब चीज़ें वो आप करेंगे, तो भोगों में आप इतना रत हो जाओगे तो वो शक्ति आप खुद को बर्बाद करने के लिए यूज़ करो। और वही अगर आपके घर में मेहनत से अगर कमाई आती है, मेहनत से पैसा आता है, ईमानदारी से आता है, दूसरों की भलाई करके आता है, तो वही शक्ति आपको आबाद कर देती है और वही शक्ति आपको बर्बाद भी कर देती है। तो ऊर्जा वही है, पैसा वही है। उसके ऊपर थोड़ी लिखा होता है कि ये काला धन है और ये गोरा धन, ऐसे लिखा है? आपने कभी 500 के नोट देखे? उसके ऊपर कभी छपा होता है ये एक बेईमान आदमी से आया है? नहीं, उसके अंदर कोई ताकत नहीं, जो उसे इस्तेमाल कर रहा है उसके अंदर ताकत। तो शक्तियाँ जो है वो हमारे अंदर, वो कौन से रास्ते से आ रही है, इस तरह वो प्रकट हो जाती है। अगर किसी के पास पैसा है वो प्रकट हुए बिना नहीं रहता, वो अच्छे कपड़े पहनेगा, वो अच्छी गाड़ी लेगा, आवाज़ ऊँची रखेगा, बोल कितने में है, ऐसी ऐसी बोलेगा, वो नमस्कार बोलिए, ऐसा वो कभी बात नहीं करेगा। करेगा तो फिर वो लक्ष्मीपति होगा, धनपति कभी ऐसी बात नहीं करता। तो जिसके पास में धन है या जिसके पास बाहुबल है, वो अपनी शक्ति का अक्सर गलत इस्तेमाल करता है, और इसलिए वो उसी शक्ति से बर्बाद हो जाते हैं। आपके पास शक्ति है और आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी आपको पता चले कि आप उससे क्या बना रहे हो। अनाज से आप
रोटी भी बना सकते हैं और अनाज से आप शराब भी बना सकते हैं। अनाज आप सड़ाओगे उसको तो शराब भी बनेगी, और उसी अनाज से आप आटा गूंदोगे तो आटा बनाओगे तो रोटी बनेगी। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस ब्रह्मांड में 95% एनर्जी और सिर्फ 5% क्या है, मैटर है। अभी तो आगे चलकर वो ये भी कह रहे हैं कि मैटर है ही नहीं है, वो सिर्फ भ्रम है। जो 5% है ना, ये इसी को माया कहते हैं। तो ऊर्जा जो है वो अपने आप को जब पदार्थ में से प्रकट करती है ना, तब वो भौतिक जगत बन जाती, फिर वो पत्थर बने, मिट्टी बने, धातु बने। धातु और मिट्टी में कोई फर्क नहीं है, अलग रूप में आए हैं। तो ऊर्जा और पदार्थ, जो हम बोलते हैं कि एनर्जी और मैटर, ये दोनों एक ही चीज़ की दो अवस्थाएं। तो इसलिए सदगुरु आज कह रहे हैं कि अस्तित्व सिर्फ ऊर्जा से भरा हुआ है, वो अलग अलग माध्यमों से खुद को क्या कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है, वो खुद को प्रदर्शित कर रहा है। आपको देखा है आपने कि पानी की छोटी सी बूंद होती है और बड़ी बूंद होती है, तो वो बड़ी बूंद छोटी बूंद को अपने आप में समा लेती। तो ऊर्जा की छोटी सी एक छोटा सा एक रूप वो बड़ी ऊर्जा में समाहित हो जाता है बस। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपके आजू बाजू में जो भी है, पदार्थ है या जीव है, उस सभी में वही ऊर्जा है जिसे हम परमात्मा कहते हैं, वो चर-चर में समाया हुआ है। जो एब्स्ट्रैक्ट है, अमूर्त है, वर्चुअल जिसे हम कहते हैं, बस जिसे हम छू नहीं सकते, जिसे देख नहीं सकते, इंद्रिया उसको समझ नहीं सकती, वो ऊर्जा ये असली चीज है। और बाकी सब जिसके माध्यम से वो प्रकट हुई है वो अलग अलग है, और हर एक में ऊर्जा का कम ज़्यादा संचार है। ऊर्जा आपके अंदर से प्रकट हो जाती, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलग है। और इसी को कहा गया है कि सब में ईश्वर समाया गया। आप उसे ईश्वर कहो, आप उसे ऊर्जा कहो, कुछ भी कहो, बड़ी ऊर्जा छोटी ऊर्जा को अपने हाथ में खींच लेती। आपको लग रहा है प्राण चले गए, वैसे नहीं है, छोटी ऊर्जा बड़ी ऊर्जा में समाहित हो गई। तो यहाँ कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं, क्योंकि ये जो शरीर भी है ये भी क्या है, ऊर्जा ही है। हर चीज़ जिंदा है, अगर आप ऊर्जा के मायने से देखें तो हर चीज़ जिंदा है। आप इसे जला सकते कि नहीं, जला सकते, फिर वो भी ऊर्जा, उसके अंदर सुप्त अवस्था में ऊर्जा है, हमारे अंदर सक्रिय अवस्था में। तो सबसे ज़्यादा अगर इस प्रकृति की ऊर्जा प्रकट होती है तो मनुष्य के माध्यम से होती है। वो भी हम देखते हैं, कोई बंदा बहुत ऊर्जावान होता है, कोई थोड़ा सा डल होता है। तो आपके अंदर की ऊर्जा प्रकट है, तीव्र है, सक्रिय है कि सोई हुई है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे क्या खिलाते हो, आप उसे किस तरह संभालते हो, आप उसे प्रकट करते कि नहीं करते हो, यह आपके ऊपर है। तो आप आपके जीवन में जितना सक्रिय होंगे उतनी वो ऊर्जा ज़्यादा तीव्र होगी, और जितना आप निष्क्रिय रहोगे उतनी वो ऊर्जा सो जाएगी। तो आपके अंदर ऊर्जा अगर सो गई, आपके घर में पैसा है लेकिन वो किसी काम का नहीं, ऐसे ही पड़ा है, रद्दी हो गया है वो, तो ऐसी ऊर्जा जो आपके कोई काम ही नहीं आ रही है, वैसे कुछ लोगों का जीवन है, उनके अंदर शक्ति तो है, यौवन है, लेकिन बूढ़े जैसे जी रहे, शरीर नया है, ताज़ा है, फिर भी उससे उस तरह का जोश नहीं जो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो शरीर के तल पर जी रहा है, उसे चाहिए कि अपनी ऊर्जा को क्या करे, जागृत करे। और ये आध्यात्म वही है, आपके अंदर की ऊर्जा को जागृत। ओ ईश्वर परमात्मा, ये महंत वो महंत, ये साधु ये हमारे युग पुरुष, ये सब भूल जाओ। वो उनके माध्यम से ऊर्जा सिर्फ क्या हो रही है,
प्रकट हो रही है। तो ऊर्जा अगर सब में एक ही है तो हम भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि अज्ञानी है। इस ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं या जितने भी निर्जीव हैं, जिसे हम कहते हैं पदार्थ कहते हैं या हम जीव कहते, सभी में एक ही ऊर्जा है, किसी में सुप्त है किसी में जागृत है। तो आप उस ऊर्जा को कितना जागृत करेंगे, कितना अभिव्यक्त करेंगे, वो आपके ऊपर है और उसी को जीवन कहते हैं। जीवन हमें इसीलिए मिला है कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम प्रज्वलित करें, उसको तेजस्वी बनाएं। और जितना आप आपके अंदर की ऊर्जा को तेजस्वी बनाएंगे उतना ही शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ रहेगा और सुदृढ़ रहेगा। जो मनुष्य हमेशा अपने आप को सक्रिय रखता है, अपनी ऊर्जा को जागृत रखता है और सब में ऊर्जा का संचार है ये जानता है, वो मनुष्य जीवन को अच्छी तरह जीता है, वो जिंदा होता है। और बाकी लोग जिंदा होकर भी क्या जिंदा होते हैं, एक पत्थर में और एक इंसान में फर्क क्या है? पत्थर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते हैं और दूसरे उसे ढकेलेंगे, अरे उठ तभी उठेगा वो, अरे चल तभी चलेगा, अरे खा तभी खाएगा, अरे काम कर तभी काम करेगा, ऐसे लोग हैं ना, वो पत्थर से कम नहीं है। इसलिए आलसी लोगों की, अज्ञानी लोगों की, अहंकारी लोगों की निंदा की गई है, क्योंकि वो अपने अंदर की ऊर्जा को सुलाते हैं और लोगों के अंदर जो ऊर्जा है उसे नकारते हैं। वो कहते हैं वो अलग है, मैं अलग हूँ। तूने थोड़ा सा पानी उठा लिया समंदर से, मतलब वो क्या समंदर से अलग हो गया? तूने थोड़ी मिट्टी उठाई, इसका मतलब तू क्या मिट्टी से जुदा हो गया? तो कितने भी कोशिश कर वापस मिट्टी मिट्टी ही हो जाएगा। सभी धातुएं हैं, सभी धातु जब सड़ जाते हैं तो उसकी क्या हो जाती है? मिट्टी ही हो जाती है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ है ना वो सब मिट्टी से आता है, पानी से आता है, पंचमहाभूत से आता है। पंचमहाभूत मतलब ऊर्जा को प्रकट करने का जरिया है। जैसे हमारे पास में जो शरीर है उसमें पंच ज्ञानेन्द्रिय हैं, पंच कर्मेंद्रिय हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से हम दूसरों के साथ क्या करते हैं? संबंध बनाते। अगर आपसे आंख छीन ली जाए तो आप दूसरों को देख नहीं पाएंगे, आपसे अगर आपके कान छीन लिए जाए तो आप सुन नहीं पाओगे, आपके पास से आपकी अगर ये त्वचा छीन ली जाए तो आप महसूस नहीं कर पाओगे, आपसे पास अगर आपसे जीवा छीन ली जाए तो आप स्वाद नहीं चख पाओगे, आपके लिए सब कुछ मिट्टी हो जाए। तो ये जो ज्ञानेन्द्रिया है ना, ये आपको क्या करती है? इस प्रकृति से जोड़ती है। जिस उसी प्रकार ये पंचमहाभूत जो है ये उस ऊर्जा से अस्तित्व को जोड़ते हैं। तो जिस भी चीज़ का हम स्पर्श कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, उसके साथ हम वक्त गुजार रहे हैं, उस चीज़ से हमारा एक बॉन्डिंग हो जाता है। अरे अगर कोई चोरी करके निकल गया ना तो कहाँ से गया और कहाँ तक चला गया ये कुत्ता जानता है। आप कुत्ते को बहुत कमज़ोर समझते हो ना, वो जानता है। क्यों? क्योंकि उसकी परछाई को वो देख सकता है, महसूस कर सकता है। आपका जो ऊर्जा का जो वलय है वो वहाँ पे रहता है आपके जाने के बाद। तो ऊर्जा जो है वो अपने निशान छोड़ जाती है और ये उसी का एक निशान है, बस कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। मरने के बाद लोगों को फोटो लगते हैं ना, तो जिंदे ही तभी निकाल के रखना, क्योंकि ये नहीं है, अभी है अभी नहीं रहे। समझ में आ रही बात? तो इतनी सी बात है, लेकिन फिर भी हम इसे सच्चा मान रहे और जो सच्चा हमारा जीवन है उसे हम झूठा मान रहे। अरे क्या बकवास कर रहे हैं, अंदर कुछ होता है क्या? हाँ, ये प्राण वाण ऐसा कुछ होता है क्या? आत्मा वित्मा कुछ नहीं होती, फिर तू जिंदा कैसे है और फिर मरता कैसे है? तो ये सवाल हमें खुद को पूछने चाहिए। हमारे आजू बाजू जो भी ऊर्जा है, जो भी जीवन है, उसमें अगर हम समझ पाए कि उसमें भी मेरे जैसे ही जीवन है हर चीज़ में, तो हम उसको कैसे संभालेंगे? हम हमारे बच्चे को कैसे संभालते? भाई कोमलता से संभाल, अरे किचड़ जा मेरा बच्चा है, हाँ उसे धूप ना लगे, उसे हवा ना लगे, उसे ठंड ना लगे, ठीक है। उसी प्रकार हर चीज़ को आप संभालो, ऐसा मत सोचो इसको क्या जान है थोड़ी, हर चीज़ में जान होती।
गैस सिलेंडर का या पेट्रोल की बोतल का स्पोर्ट क्यों होता है, वो ब्लास्ट क्यों होता है उसका? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्या है, ऊर्जा है। जितनी ज़्यादा ऊर्जा रहेगी उतनी ताकत ज़्यादा है। आप सही इस्तेमाल नहीं करोगे तो खतरा बनेगी, समझ में आ? तो आपके आसपास में जो ऊर्जा है उसका क्या करो, सम्मान करो। इसलिए हम जब भी कोई चीज़ लाते हैं ना, जब एरोप्लेन लाए ना तो उसकी पूजा की गई, विधिवत पूजा की गई। हम घर में कोई अगर व्हीकल लेके आते तो उसकी क्या करते हैं, पूजा करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर भी वही प्राण है जो आपके अंदर है। ये जिस दिन आपको पता चले उस दिन से आप पैर रखते वक्त उसका क्या करोगे, प्रणाम करोगे। जब घर पे वापस आओगे 100-200 किलोमीटर जाकर, फिर उसको धन्यवाद दोगे, मुझे यहाँ तक तू वापस लेके आई। वो कार हो या जीप हो, जो भी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, आप अगर इस तरह जीवन जीना सीखोगे तो आपका जीवन कुछ अलग तरह का हो जाए। जीवन जिसमें जागा हुआ है उसके साथ आप व्यवहार कर सकते। तो आप हर चीज़ का वो, खेती में लोग क्या करते, जब हार्वेस्टिंग करते थे लोग पूजा करते थे, आज किस खेती ने मुझे बहुत अच्छी फसल दी। आजकल उसको लोग पैसा देख रहे हैं, भिखारी हो गए। ना पैसा रहा ना हेल्थ रही, स्वास्थ्य रहा नहीं। हम अगर जी रहे हैं, लोग हमारे जो पूर्वज थे वो वनस्पति को ईश्वर मानते थे, पत्थर को ईश्वर मानते थे, हर चीज़ में ईश्वर देखते थे। इसका मतलब क्या हुआ? वो कहीं ना कहीं जानते थे इसमें वही तत्व है जो मेरे में है, इसलिए वो उसका क्या करते थे, सम्मान करते थे। लेकिन आज हम इतने होशियार हो गए, हमने सब कुछ डिस्क्रिमिनेट कर दिया, ये सही है, ये गलत है, ये काम की चीज़ें, ये बेकार चीज़ें, ऐसा कर कर हमने पूरी धरती को, पूरी दुनिया को, जीवन को बांट दिया सही और गलत में। हम प्रकृति से भी बड़े हो गए, तो इसलिए आज जो संकट आते हैं, बड़ी बड़ी आपदाएं आती है, वो क्यों आ रही है? क्योंकि ये मनुष्य से निर्माण हुआ है, मनुष्य के गलत इस्तेमाल की वजह से। मनुष्य हर चीज़ को क्या कह रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो प्रकृति बोल रही ठीक है तू ही कर, फिर वो पुरस्कार दे रहे हैं। अभी ये आपदाएं हमें पुरस्कार के स्वरूप मिल रही, बीमारियां पुरस्कार, कोरोना हमारे लिए पुरस्कार है, सही बात है। तो ये जो चीज़ है, प्रकृति में जो भी तत्व है, जो भी है, उस हर चीज़ में ईश्वर है, ऊर्जा है। आप अगर दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर आप मजबूत चीज़ों को पटकोगे तो उसमें से क्या निकलती है, आग निकलती, चिंगारियाँ निकलती ना। तो हर चीज़ में क्या है, ऊर्जा है, तभी वो जिंदा है। बस फर्क इतना है कि आप उछल कूद करने वाली ऊर्जा हो और वो सुप्त ऊर्जा है, बस इतनी सी बात। लेकिन आपको हर ऊर्जा का क्या करना है, सम्मान करना है। और जिस दिन आप ये सम्मान करना सीखोगे तो हर बेजान चीज़ उससे आप उसका आप क्या करोगे, आदर करोगे और उसे कोमलतापूर्वक संभालोगे। जैसे आप आपके बच्चों को संभाल रहे वैसे आप हर चीज़ को संभालोगे। और जैसे आप जागृत होकर हर चीज़ को इस्तेमाल करोगे, एक निवाला भी ले रहे ना तो उसका आभार प्रकट करो कि तू मुझे जीवन दे रहा है, मैं तो तेरा आभारी हूँ। हमेशा कृतज्ञ रहो और इस अस्तित्व ने हमें जो जो भी दिया है, हम सांस भी ले रहे हैं ना, उसका भी क्या करो, आभार प्रकट करो। ऐसा अगर आपका जीवन हो गया, आपका जीवन इतना सुंदर बनेगा कि आपको पाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इस पूरे ब्रह्मांड के आप स्वामी हो जाओगे। क्योंकि आपको पता है जो चीज़ हर चीज़ में है वही मेरे अंदर भी है। तो यहाँ पे मैं और तू ऐसा कोई है ही नहीं, सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरा ही विस्तार है। ये बिजली यहाँ पे कह सकती कि नहीं इस बल्ब में अलग है और इस बल्ब में अलग है, उस सामने वाले घर में जो जल रही है वो अलग है, ऐसे है क्या? नहीं, सब जगह पे एक ही बिजली जल रही है। जब ये पता चलेगा तब ये बल्ब किसी के साथ स्पर्धा नहीं करेगा, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेगा और किसी के साथ में वो गलत तरीके से व्यवहार नहीं करेगा। हर चीज़ के साथ में वो कैसे रहेगा, प्रेम से रहेगा। तो यही है, प्रेम से रहो और समझो ये अलग रूप में आई है, इसका मतलब ये अलग नहीं है। मैं और वो क्या हूँ, एक ही। कर्ण और अर्जुन क्या है, एक ही है। ये सिनेमा के अंत में पता चलता है, एक ही कोख से पैदा हुए, उसमें भेदभाव ना करो,
और इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी अस्तित्व में चीज़ें है या जीव है उन सबको अपना मां समझो या उसमें अपने आप को देखो, जीवन सुंदर हो जाएगा। धन्यवाद।